बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है, बेहद खूबसूरती से और बेहद सफाई से साथ फिनिशिंग के साथ देखें इसकी स्टिचिंग की गई है। कहीं से कोई धागे, कहीं से कोई सिलाई नहीं दिख रही आपको इसकी। ये देखिए, आगे चल के हम इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे व्यूअर्स आपको। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये मेरे पास ट्राउज़र है, ठीक है। इसका मैंने ये फोल्डिंग पॉइंट कट कर लिया है और इसके साथ में ये जो है नेट देखिए मैंने ली है। ये ऑलमोस्ट 2.5 इंच चौड़ी नेट है, इसको मैंने ट्राउज़र के डिज़ाइन के तौर पर इसको यूज़ करनी है। और इसके साथ जो है ना, मैंने दो डिफरेंट टाइप की लेसेस दी हैं। देखिए, ये फ्लावर वाली लेस है और ये समोसा टाइप की लेस है। इन तीनों चीज़ों के साथ हम ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले व्यूअर्स, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने घंटी के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए व्यूअर्स, मैंने ये फोल्डिंग पॉइंट इसका फोल्ड कर लिया ट्राउज़र का, ठीक है। अब हम इसको जितना फोल्डिंग पॉइंट है हमने इसको इतना कट कर देना है ट्राउज़र को। नीचे से बॉटम को हमने अलहदा कर देना है इसको इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये लेस लगेगी। देखिए व्यूअर्स, ये नेट है, नेट के ऊपर मैंने ये फ्लावर लेस रखी है। ये लेस का राइट हिस्सा है, इसको इस तरह से हमने इसको जॉइंट करना है। ये लेस पूरी हमारी इस नेट के ऊपर आएगी। इतना हमारा बॉटम है, हमने उतना जो है ना ये नेट ली थी, ऑलमोस्ट 8 इंच चौड़ी, ठीक है। हमने इसके सेकंड साइड पर भी हमने सिलाई लगानी है, देखिए इस तरह से। ये हमारी सेंटर लेस टाइप की बनकर आ गई है व्यूअर्स। अब ये देखिए हमारा बॉटम है, ठीक है। बॉटम का राइट हिस्सा है, इसके ऊपर हमने रॉन्ग हिस्सा ये रॉन्ग रखी है लेस, ठीक है ना, उल्टी है। अब हमने इसको इस तरह से सिलाई लगानी है कि सिलाई आपकी लेस के ऊपर ना आए, ठीक है। बाकी ये कि पूरी जो नेट है हमारी, इसके ऊपर हमने स्टिच करना है इसको इस तरह से। देखिए सिलकर आ गई है। हमने जो कट लगाए व्यूअर्स, ये हमने पिंटक्स पे लगाए हैं, ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहे होंगे व्यूअर्स। मैंने 1/2 इंच की दूरी पे मैंने ये पिंटक्स के कट लगाए हैं। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो है ट्राउज़र की पिंटेक्स में, अगर जो बिगनर्स हैं जिन, तो अगर वो स्त्री कर लेंगे इस तरह से पिंटेक्स पे, तो उनकी जो है ना स्टिचिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको इसी तरह से हाथ से बिठा लिया है। देखिए कपड़े को इस तरह से आप प्रेस करेंगे तब भी आपकी एक पीस सी बन जाएगी। अभी हमने बिल्कुल लास्ट में बॉटम में हमने ये वाली लेस रखी है, इस तरह से लगाई है हमने इसको। ये लेस का रॉन्ग हिस्सा है, ठीक है, इसको हमने इस तरह से अटैच करना है। जितना आपने हिस्सा फोल्ड करना है आपने बिल्कुल उसके किनारे पर आपने रखी ये लेस लगानी है, ठीक है। देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट 2.5 इंच का मैंने फोल्डिंग पॉइंट दिया था और ये इस तरह से हमारी लेस अटैच हो रही है, देख रहे हैं। ये हम इसको फोल्ड बाद में करेंगे, पहले लेस लगाएंगे फिर फोल्ड करेंगे इसको। देखिए इस तरह से, अब देखिए व्यूअर्स, ये हमने पहले इसको इसके लग की सिलाई लगानी जहाँ पे हमने लेस अटैच की थी, वो किनारे किनारे पे। ठीक है, अब ये जो रॉन्ग हिस्सा था हमारी सिलाई वाला मार्जिन, देखिए हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, देख रहे हैं आप। इसको 1/2 इंच अंदर चला जाएगा, ये सिलाई जो हमारी एक्स्ट्रा है सारी जो है ये सब अंदर छुप जाएगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये ट्राउज़र बनेगा, इसमें कोई धागा, कोई एक्स्ट्रा सिलाई कुछ भी नहीं इसमें दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये ट्राउज़र, देखिए इस तरह से। और बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी के साथ ये ट्राउज़र स्टिच हुआ है। अब इसकी पूरी सिलाई देखिए, देखिए हमारा बॉटम तैयार हो गया, ठीक है। एक एक पिंटेक्स भी आ गई, पिंटेक्स आपकी मर्जी है, आप एक डालें या दो डालें। अभी देखिए ट्राउज़र का राइट हिस्सा है, हमने इस पर रॉन्ग रखा है इस साइड, ये बॉटम को इस तरह से हमने पहले एक फोल्ड करना है, फिर डबल फोल्ड करके हमने इस पर सिलाई लगानी है व्यूअर्स। ये देखिए अगेन की सिलाई आपकी फ्लावर पे ना आए व्यूअर्स,
है इस तरह से, ये देखिए बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लग रही है। यहाँ आके थोड़ी सी मेरी लाइट कम हो गई वीडियो की, तो आई होप यू इग्नोर इट, आप इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, एक सिलाई लगा के अब हमने इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है। ये लक्की सिलाई से बहुत फिनिशिंग आती है ट्राउजर में। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा ट्राउजर में हमारी सिलाई ऊपर लग गई है, और इसके ऊपर भी हमने डबल सिलाई लगानी है सिलाइयां मुकम्मल हो गई हैं। अब हमने इसके ऊपर एक और प्रिंट अप डालनी है, और ये प्रिंट अप हाफ बूट की डालेंगे व्यूअर्स, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक डालनी होती है। अगर आपने बड़ी प्लेटें डालनी है तो वो फुल बूट की डलती हैं। ये मैंने हाफ बूट की लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से। एक बार फिर मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए हमारे ट्राउज़र का डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है, अब हमने इसको जॉइन करना है। आप ट्राउज़र की चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको चाहिए। मैंने 7 इंच रखा था। ट्राउज़र को अटैच करते हैं व्यूअर्स, इस बस का ख्याल रखा करें कि जो हमारी जो लेस है लेस के साथ लेस मैच हो आके, और पिंटक्स के साथ पिंटक्स, ताकि जो है ना आपका डिज़ाइन आगे पीछे ना हो। और ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल से ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया, बहुत खूबसूरत और बहुत ही आसानी से बनने वाला ट्राउज़र। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बनाए। जो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में तब के लिए अल्लाह हाफिज़।